जुनूनियत द डेंजरस गेम ऑफ लव एपिसोड 20। प्रज्ञा की जब सुबह आंख खुली तो घड़ी में 10 बजे थे। वो हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। आज वो इतनी देर तक कैसे सो सकती थी? इतने दिनों बाद वो कल रात निश्चिंत होकर सोई थी। जब वो फ्रेश होकर नीचे पहुंची तो मधु टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उस डाइनिंग टेबल पर हर तरह का नाश्ता रखा हुआ था। प्रज्ञा ने उसे देखते हुए पूछा, सिद्धांत कहाँ है? मधु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिद्धांत सर तो सुबह सुबह ही ऑफिस निकल गए। प्रज्ञा की भौहें कंफ्यूजन से सिकुड़ गई। अगर सिद्धांत ऑफिस चला गया था तो ये इतना सारा नाश्ता किसके लिए था? उसने मधु से यही सवाल किया। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल सिद्धांत सर ने मुझे आपका फेवरेट नाश्ता बनाने को कहा था, मगर मुझे उस बारे में नहीं पता था और आप सो रही थी इसलिए मैंने सब कुछ बना दिया। आप प्लीज नाश्ता कर लीजिए। ये सुनते ही प्रज्ञा का मन वार्मथ से भर गया। उसे सिद्धांत एक पहेली की तरह लगता था। कभी वो प्रज्ञा को इतनी बुरी तरह हर्ट करता था कि प्रज्ञा उसे नफरत किए बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन कभी कभी वो ऐसी चीजें करता था जिसके कारण प्रज्ञा के दिल की धड़कने बढ़ जाती थी। उसने तुरंत ब्रेकफास्ट किया। वो जैसे ही ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में वापस आई तो उसे सिद्धांत का कॉल आया। उसने प्रज्ञा को बताया कि वो कुछ देर में घर वापस आ रहा है और वो तैयार हो जाए, क्योंकि वो उसे कहीं ले जाने वाला था। प्रज्ञा को कोई भी आइडिया नहीं था कि सिद्धांत के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसने उसकी बात मानना ही सही समझा। वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुकी थी, अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा कि सिद्धांत उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था। उसने प्रज्ञा का हाथ थामा और उसे कार की तरफ ले गया। सिद्धांत के बड़े रफ हाथों में प्रज्ञा का हाथ बहुत छोटा नजर आ रहा था। उसे मालूम था कि उनकी हाइट में भी बहुत डिफरेंस था और फिल्मों में ऐसे कपल्स के बहुत फैन होते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ थी और वो दोनों एक कपल नहीं थे, या शायद वो कपल है। प्रज्ञा ने फ्रस्ट्रेशन के कारण अपना सिर हिलाया। क्या हुआ? सिद्धांत की भारी आवाज उसे उसके थॉट से बाहर लाई। वो उसके बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी क्लोजनेस फिर से प्रज्ञा के माइंड के साथ गेम खेल रही थी। सिद्धांत का अटेंशन अपने ऊपर पाकर प्रज्ञा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आज से पहले वो कभी भी इतना ब्लश नहीं करती थी, लेकिन जब से सिद्धांत उसकी लाइफ में आया था मानो उसका चेहरा 24 घंटे ब्लश मोड में रहता था। कुछ नहीं, उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा। जब उसने कार की विंडो से बाहर देखा तो उसकी आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गई, क्योंकि अब उसको रियलाइज हो रहा था कि कल रात को सिद्धांत उसे किस जरूरी जगह जाने को कह रहा था। उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुक गई थी, वही हॉस्पिटल जिसमें करण एडमिट था। प्रज्ञा की सांस नर्वसनेस और डर के कारण बढ़ गई। उसके हाथ पसीजने लगे। वो जिंदगी में दोबारा करण का सामना नहीं करना चाहती थी। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद प्रज्ञा करण से अपनी जी जान से ज्यादा नफरत करती थी। उसकी रग रग में करण के लिए गुस्से और ग्रॉसनेस के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत सिद्धांत की तरफ देखा। ये वही इंसान था जिसने कुछ घंटों पहले प्रज्ञा के लिए उसका फेवरेट नाश्ता तैयार करवाया था। वो सिद्धांत के थॉट्स को समझने और पढ़ने के लिए क्या नहीं कर देती। अगर उसे पता होता कि आज ऐसा होने वाला था तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं करती, लेकिन उसे मालूम था कि ये सिद्धांत की सोची समझी साजिश थी। उसने सिद्धांत से पूछना चाहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन प्रज्ञा का मन अब इन सबसे बहुत थक चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और कार से उतर गई। शायद सिद्धांत यही चाहता था। वो चाहता था कि प्रज्ञा पैनिक हो जाए और डर के कारण उसकी और हेल्प मांगे, लेकिन अब प्रज्ञा भी उसके गेम्स को समझने लगी थी। वो दोनों करण के रूम में पहुंचे तो उसने देखा कि करण के बेड के बाजू में उसकी माँ बैठी हुई थी। उसकी माँ करण को स्पून से खाना खिला रही थी। रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आते ही उन दोनों की नजरें सिद्धांत पर पड़ी। प्रज्ञा उसके पीछे चल रही थी और करण की माँ ने उसे देखा नहीं था। वो सिद्धांत को देखते हुए बोली, अरे तुम्हें अपने भाई को फाइनली देखने का। प्रज्ञा को देखते ही वो बीच में ही रुक गई और सिद्धांत की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुम अपना होश खो बैठे हो क्या? आज इसी के दोस्त की वजह से तुम्हारा भाई इस हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम इसे ही लेकर यहाँ आ गए, करण की माँ ने प्रज्ञा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। उन्होंने प्रज्ञा को ऊपर से नीचे देखा, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वो पिछले कुछ दिनों में कैसी थी जब उनका खुद का बेटा हॉस्पिटल के बेड पर घायल पड़ा हुआ था। प्रज्ञा की वार्डरोब सिद्धांत की चॉइस के कपड़ों से भरी हुई थी और वो आज भी एक डिजाइनर जीन्स और टॉप पहने हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसे आज इस सिचुएशन को झेलना होगा, नहीं तो वो अपने रेगुलर कपड़ों में आती। करण की माँ की जजमेंट से भरी नजर उसको बहुत ट्रबल कर रही थी। वो जाकर सिद्धांत के पीछे छिप गई। सिद्धांत करण के बेड के पास पहुंचा और बोला, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? करण के मुंह से एक हंसी निकली और वो बोला,
सिद्धांत, इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके साथ यहाँ जिस काम के लिए आए हो, मैं उसके लिए कभी हाँ नहीं कहूंगा। ओ, तो करण को मालूम था कि वो यहाँ क्यों आया था, मतलब प्रज्ञा उसे ऑलरेडी मिल चुकी थी, लेकिन कब? सिद्धांत के मन में प्रश्न उठे, और लगता है कल के बाद प्रज्ञा को भी पता है कि अगर उसको अपने दोस्त को बचाना है तो उसे क्या करना होगा। करण ने प्रज्ञा की तरफ एक सजेस्टिव स्माइल के साथ कहा। सिद्धांत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। कल आखिर ऐसा हुआ क्या था? प्रज्ञा ने करण को एक गुस्से भरी नजर से देखा। इस लड़की ने पूरे शहर के सामने हमारी बेइज्जती की है, इसने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे आज यहाँ ले आए? करण की माँ एक बार फिर बोली। वो सिद्धांत से तो नफरत करती ही थी, लेकिन अब वो प्रज्ञा को भी उसी नजर से देख रही थी। सिद्धांत ने प्रज्ञा का हाथ पकड़ा और उसे सामने लाते हुए कहा, बोलो तुम करण से क्या कहना चाहती हो? प्रज्ञा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम शिव के खिलाफ फाइल्ड केस को वापस ले लो। वो हॉस्पिटल रूम करण के लाफ्टर से भर गया। क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? तुम जब तक मेरे साथ थी, तुमने मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया था, और मैं तुमसे शादी भी इसलिए करना चाहता था कि जिससे मेरे दादाजी मुझे अपनी विल से ना निकाले। लेकिन अब जब तुम सिद्धांत के साथ हो, तो तुम्हारी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। और अगर तुम ये बात मनवाना चाहती हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना होगा। वो सेटिस्फिक स्माइल के साथ बोला। प्रज्ञा का गुस्सा अब पारा चढ़ चुका था। उसे लगा था कि भले कैसे ही, लेकिन सिद्धांत उसकी मदद करेगा। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी अगले पल सिद्धांत की भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने सुना है कि तुम आजकल बिजनेस में बहुत लॉस झेल रहे हो, और तुम्हें बैंक का लोन भी रीपे करना है। अगर मैं तुम्हारी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लूं और बैंक वालों से बात कर लूं, तो ये समस्या हल हो जाएगी ना? उसने ऐसे कहा जैसे वो एक अजम्पशन कर रहा था, जबकि ये उसकी सोची समझी चाल थी। करण का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पता था कि सिद्धांत की मदद मिलते ही उसका बिजनेस लाइन पर आ जाएगा। वो अपने फैमिली बिजनेस के साथ एक साइड बिजनेस भी करना चाहता था, और अगर सिद्धांत उसका पार्टनर बना तो उसकी कंपनी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। उसे पैसे भी चाहिए थे, और उसी वजह से उसने प्रज्ञा को उस दिन सिद्धांत के कमरे में भेजा था। सिद्धांत जानता था कि ये तरकीब रामबाण की तरह काम आएगी। उस दिन वो सिद्धांत को कैमरा फुटेज के सहारे धमका रहा था। करण को लाइन पर लाने का यही सही रास्ता था। क्या होगा आगे? क्या करण सिद्धांत के सजेशन को मानकर शिव के खिलाफ किए गए केस को वापस ले लेगा? और क्या होगा जब सिद्धांत को पता चलेगा कि करण ने प्रज्ञा के साथ उस दिन कैसा बिहेव किया था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 21। प्रज्ञा का दिल कुछ पलों के लिए थम सा गया था। क्या करण सच में सिद्धांत की बात मान जाएगा? क्या वो सच में शिव को आसानी से जाने देगा? लेकिन करण का फैसला सुनने के लिए उसे ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही पल बाद करण बोला, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? सिद्धांत ने उसका जवाब देने के बजाय अपनी पैंट के पॉकेट से अपना फोन निकाला और उससे किसी को टेक्स्ट करने के बाद उसे अपनी पॉकेट में वापस रख लिया। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और सुनील अंदर आया। उसने तुरंत सिद्धांत को एक फाइल थमाई और वहां से चला गया। सिद्धांत ने करण को वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ाते हुए कहा, ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इसे पढ़ लो और शाम तक साइन कर लो। लेकिन मैं कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं कि तुम प्रज्ञा के दोस्त के खिलाफ किए हुए केस को वापस ले रहे हो? तुम्हें मेरे भाई होने के बावजूद मुझ पर विश्वास नहीं है? करण ने मासूम चेहरा बनाते हुए पूछा। जब सिद्धांत का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे सामने पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ और अपना केस वापस ले लेता हूँ। करण की माँ ने इस बात पर हामी नहीं भरी। आखिर एक माँ का दिल माँ का ही होता है, और अपने बच्चे को घायल देख वो उसके गुनाहगार को सजा दिलाना चाहती थी। लेकिन करण ने उसको समझाया और फिर वो शांत हो गई। उनका काम होते ही सिद्धांत ने पहले की तरह उसका हाथ थामा, और जैसे वो दोनों करण के हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल कर जा रहे थे, अचानक से करण ने बोला, सिद्धांत तुम इस लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
मुझे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं है। ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। तुम्हें क्यों लगता है ये उस शिव को बचाना चाहती है? क्योंकि ये उसके साथ सो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी होकर रहेगी? ये वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि अगले ही पल सिद्धांत प्रज्ञा के बाजू में नहीं बल्कि करण की गर्दन दबोचे हुए खड़ा था। सांस न ले पाने के कारण उसका चेहरा नीला पड़ा जा रहा था। करण की माँ सिद्धांत की ग्रिप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं पड़ रहा था क्योंकि सिद्धांत को उस वक्त खून के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। करण के हाथ डेस्परेटली सिद्धांत की ग्रिप लूज करने की कोशिश में फड़फड़ा रहे थे। करण की माँ सिद्धांत को चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोले जा रही थी, सिद्धांत अपने भाई को छोड़ दो। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है कि तुम अपने ही भाई की जान के पीछे पड़े हो? क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन सिद्धांत के सिर पर खून सवार था। जब प्रज्ञा को एहसास हुआ कि अगर वो इसके बीच में नहीं आई तो चांसेस है कि अगली बार वो सिद्धांत को जेल से निकालने के साधन ढूंढ रही होगी, इसलिए उसने तुरंत सिद्धांत की ग्रिप लूज करने की कोशिश की। उसके हाथ अपने हाथों में देख सिद्धांत ने तुरंत करण को छोड़ दिया। करण जोर जोर से खांसने लगा। उसकी आंखों में डर अलग नजर आ रहा था। वो पिछले कुछ दिनों में दो बार मौत के करीब आ चुका था। सिद्धांत एक बार फिर उसकी तरफ पड़ा और इस बार सिर्फ उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोला, प्रज्ञा अब मेरी है। उसके बारे में तुम्हारे मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगा, समझे? जब करण ने हाँ में सिर हिलाया तब जाकर सिद्धांत ने उसको छोड़ा। अपनी सूट की जैकेट ठीक करते हुए प्रज्ञा की ओर देखते हुए बोला, चलो अब हमारा यहाँ का काम हो गया है। प्रज्ञा ने एक आखिरी बार करण की तरफ देखा। उसकी आत्मा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके सामने करण को उसके कर्मों की सजा मिली है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसके सामने सिद्धांत कितने गुस्से में था। अचानक से वो रास्ते में रुक गया और इसके कारण प्रज्ञा अपना बैलेंस भी नहीं बना पाई और उसकी टक्कर सिद्धांत की बैग से हो गई। उसने कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखा तो उसकी सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि सिद्धांत की काली डार्क आंखें उसे देख रही थी। उन आंखों में अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ था या उसे अब पता चल गया था कि गुस्से में सिद्धांत का रूप ही चेंज हो जाता है। उसने प्रज्ञा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कार तक ले गया। प्रज्ञा को लगा था कि सिद्धांत का गुस्सा करण के लिए था लेकिन अब वो अपनी अजम्पशंस पर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसका ये थॉट तब कंफर्म हुआ जब सिद्धांत ने सुनील को घर बस या टैक्सी से आने को कहा और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और प्रज्ञा को पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। वो हॉस्पिटल से बहुत तेज स्पीड से निकला। प्रज्ञा जानना चाहती थी कि सिद्धांत सच में इस बात से गुस्सा था कि करण उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, कि इस गुस्से के पीछे कोई और वजह थी। वो तो आंखें बंद करके अपनी सीट को कसकर पकड़े हुए थी। कार में बिल्कुल सन्नाटा था। जब वो कार थोड़ी देर बाद एक सुनसान एरिया में जाकर रुकी तो प्रज्ञा ने अपनी आंखें खोलकर देखा। वो इस सुनसान जगह पर सिद्धांत के साथ अकेली थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसके माथे पर नर्वसनेस के कारण पसीना आ चुका था। सिद्धांत कार से उतरा और प्रज्ञा की तरफ आकर उसने उसका कार डोर खोला और प्रज्ञा को कार के अगेंस्ट अपनी दोनों आर्म्स के बीच पिन कर लिया। प्रज्ञा की तरह ही सिद्धांत की सांसें बड़ी हुई थी। उसने पूछना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था, लेकिन अगले ही पल सिद्धांत का एक हाथ उसके बालों में था और दूसरे हाथ की उंगली उसके गाल से नीचे आकर उसके होंठों पर रुक गई थी। जो हाथ उसके बालों में था उसे सिद्धांत ने प्रज्ञा का चेहरा अपने और करीब लाया और जो उंगली उसके होंठों पर थी उसे नीचे ट्रेल करते हुए उसकी कमर तक ले गया। प्रज्ञा का बदन आग में जल रहा था। उसका चेहरा अब सिद्धांत की हरकतों के कारण शर्म से लाल हो गया था।
उसकी बॉडी सिद्धांत की बॉडी को पूरी तरह से टच कर रही थी। प्रज्ञा उसकी इंटेंस नजरों को और देर सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आजू बाजू देखने की कोशिश की कि कहीं कोई उनको देख तो नहीं रहा था, लेकिन उसके बालों में सिद्धांत के हाथों की ग्रिप टाइट हो गई। उसे समझ आ गया कि वो उसका अटेंशन अपने ऊपर चाहता था। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत सेल्फिश हूं? अगर मेरी चीज कोई मुझसे बिना पूछे शेयर करे तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब तुम मेरी हो और तुम उस शिव के साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम उसके साथ अपनी रोमांटिक कहानी लिखने लगो। लेकिन वो तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त। प्रज्ञा को अपनी बात खत्म करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगले पल ही सिद्धांत के लिप्स उसके लिप्स पर थे और उसकी आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई थी। इस बार जब उन दोनों ने किस लिया, तब प्रज्ञा सिद्धांत की पैशन को फील कर पा रही थी। सिद्धांत ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे टाइटली पकड़ लिया, और उसके बालों में जो ग्रिप थी उसकी मदद से सिद्धांत उसके मुंह को अपने हिसाब से एडजस्ट करने लगा। कुछ ही पलों में वो किस बहुत डीप हो गई। प्रज्ञा ने सिद्धांत को अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसकी बाहों में पिघल गई। सिद्धांत ने अपने सारे शर्ट के बटन्स खोल दिए और प्रज्ञा का टॉप भी उतार दिया। उसके गले से लेकर बदन के सारे हिस्सों को चूमने लगा। प्रज्ञा को भी सिद्धांत की टॉन्ड बॉडी से अलग ही प्रकार की खुशबू आ रही थी, जो उसे और मदहोश कर रही थी, और वो भी उत्तेजित होकर सिद्धांत की छाती को काटने लगी। दोनों के चेहरे पर एक कामुक उत्तेजक मुस्कुराहट आ गई थी। वो दोनों अपना होश गवा चुके थे और प्रज्ञा की एकदम से सिसकियां निकलने लगी और दोनों अब एक दूसरे में समा गए। एक्चुअली सिद्धांत का वो गुस्सा नहीं बल्कि जेलसी थी। प्रज्ञा को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने भी खुद को सिद्धांत की बाहों में अपने आप को न्योछावर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लॉकअप का दरवाजा खुला और बाहर खड़े हवलदार ने शिव को आवाज दी, चलो बाहर आओ, तुम्हारी बेल हो चुकी है। शिव की कंफ्यूजन से बोहे सिकुड़ गई। क्या दीपक ने उसकी बेल करवाई थी? जब वो लॉकअप से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका दोस्त रोहित वहीं खड़ा हुआ था। जब उसने रोहित को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। रोहित उसके पास आया तो शिव बोला, मुझे बेल दिलाने के लिए थैंक यू। लेकिन जब रोहित उसे एक वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा तो शिव ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब रोहित बोला, तुम्हारी बेल मैंने नहीं करवाई बल्कि करण ने अपना केस वापस ले लिया है। ये कैसे हो सकता है? क्या होगा आगे? क्या फाइनली शिव को सिद्धांत के बारे में पता चलेगा? और अगर हाँ तो वो क्या करेगा? और प्रज्ञा और सिद्धांत की ये पेचीदा रोमानी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 22। आखिर करण, जो कि मुझे जेल से निकलने नहीं देने वाला था, वो अचानक से मेरी बेल के लिए कैसे मंजूर हो गया? शिव को अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तभी हवलदार आया और उसने शिव के सामने उसकी बेल के पेपर रखे। जब शिव उस पर साइन करने लगा तब उसने देखा कि बेल इश्यू करवाने के नाम के नीचे सिद्धांत महेश्वरी का नाम था। सिद्धांत महेश्वरी, उसने अनजाने में जोर से उसका नाम लिया। उसका दोस्त रोहित तुरंत बोला, सिद्धांत माहेश्वरी? अच्छा, तभी वो करण के हॉस्पिटल रूम से बाहर आ रहा था। रोहित की बात सुनते ही शिव की भौहें कंफ्यूजन से सिकुड़ गई। उसने रोहित की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? किसके हॉस्पिटल रूम से कौन बाहर आया? तब रोहित बोला, वो दरअसल जैसे ही मुझे पता चला था कि तुम जेल में हो, मैं तुरंत यहाँ आया था, और तब मुझे पता चला था कि तुम्हारे जेल में होने की क्या वजह थी, इसलिए मैं करण से मिलने के लिए उसके पास हॉस्पिटल गया था।
ताकि मैं उसे तुम्हारी बेल के लिए कन्विंस कर लूं। मेरे पास इसके सिवाय कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी और इसलिए मैं रूम के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अंदर रूम से बहुत चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। मुझे तो कुछ पल के लिए लगा कि करण मर गया है और तुम्हें उम्र कैद से कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन फिर कुछ पलों बाद उस रूम का दरवाजा खुला और वहां से सिद्धांत प्रज्ञा के साथ बाहर निकला। मुझे पता नहीं था उस कमरे में क्या हुआ, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है। प्रज्ञा और वो भी सिद्धांत के साथ, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे? असल में शिव सिद्धांत को इसलिए जानता था क्योंकि कुछ साल पहले जब वो अपनी खुद की कंपनी खोलने के सपने देख रहा था, तब उसने शहर के नामी गिरामी लोगों पर रिसर्च की थी। वो जानना चाहता था कि एक सक्सेसफुल कंपनी खड़े होने के पीछे क्या फैक्टर्स थे, और तभी उसने सिद्धांत के बारे में सुना था। सिद्धांत शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एंड चेन ऑफ होटल्स का सीईओ था। वो प्रकाश का सौतेला बेटा था और वो माहेश्वरी परिवार का फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। लेकिन प्रज्ञा और उसके बीच क्या रिश्ता था, ये बात शिव को जरा भी समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने थॉट्स में गुम रहकर ही बेल पेपर्स पर साइन किए और रोहित के साथ घर जाने के लिए स्टेशन के लिए निकला। लेकिन वो कहां चैन की सांस ले सकता था, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने एक लग्जरियस कार खड़ी हुई थी। उस कार को एक सेफ्टी ब्लैंकेट से ढके हुए उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। उनमें से एक ने शिव को बाहर आते हुए देखा और उसके पास आकर बोला, सर, मिस्टर शुक्ला ने आपके लिए कार भिजवाई है। आपने उनको बताया ही नहीं कि आप जेल में थे। आपको 5 मिनट से ज्यादा यहाँ रहना ही नहीं पड़ता, और शुक्ला जी माहेश्वरी जी को अच्छे से जानते हैं, वो एक कॉल करके ही आपको बाहर निकाल लेते। शिव ने अपनी चाल नहीं रोकी। जब वो कार के करीब आया तो दूसरे बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उसके लिए कार का गेट खोल दिया, लेकिन शिव ने उससे कहा, कह देना शुक्ला जी से कि मैं कभी भी उनके पास मदद के हाथ फैलाने के लिए नहीं आऊंगा। उसके बाद वो अपनी कार की तरफ गया जो अभी भी यहीं खड़ी हुई थी। उसके पास अभी और भी बहुत जरूरी काम थे। सबसे पहले तो वो जानना चाहता था कि प्रज्ञा ने उसे बचाने के लिए ऐसा क्या किया था कि सिद्धांत उसके साथ था। दूसरी तरफ प्रज्ञा सिद्धांत के घर में आज अकेली थी। सिद्धांत कल रात को ही किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस के काम से बाहर गया था, लेकिन जाने से पहले उसने प्रज्ञा को रूल्स समझा दिए थे। वो जब भी घर से बाहर निकलेगी तो उसे मधु को बताना होगा और हर घंटे सिद्धांत को रिपोर्ट देनी होगी। अगर वो चाहती तो घर का कोई भी रूम यूज कर सकती थी। उसे शिव से मिलने के लिए सख्त मना किया गया था। सिद्धांत के जेलसी वाले एपिसोड के बाद उसने प्रज्ञा से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो किसी भी हालत में शिव से नहीं मिल सकती थी। ट्रिप पर जाने से पहले सिद्धांत उसके कमरे में आया था। वो अपने कमरे की बालकनी पर थी। वहां से वो डूबते हुए सूरज की सुंदरता को निहार रही थी। जैसे सूरज डूबने के बाद अंधेरा हो जाता है, वैसे ही सिद्धांत का बिहेवियर था। एक बार उसका अच्छा मूड गया तो वो फिर दिन भर गुस्से वाले मूड में ही रहता था। प्रज्ञा अपनी बालकनी से अपनी नीचे चलती फिरती जिंदगियों को नोटिस कर रही थी। कैसे हर एक इंसान की एक अलग कहानी होती है और हम सब उस कहानी के भिन्न भिन्न किरदारों को निभा रहे हैं। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए सिद्धांत उसके कमरे में आया और उसने शिव की बेल होने की खबर प्रज्ञा को दी। उसे लगा था कि सिद्धांत का गुस्सा शांत हो चुका था, लेकिन सिद्धांत को उसका नाम लेते हुए भी चिढ़ हो रही थी। इसलिए उसने प्रज्ञा से कहा, तुम्हारे दोस्त की बेल हो गई है, आज की रात वो अपने घर में ही बिताएगा। ये बात सुनकर प्रज्ञा का मन बहुत खुश था। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी, भले ही उसे शिव को बाहर निकालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी थी, लेकिन उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि अगर उसकी जगह शिव होता तो वो भी प्रज्ञा के लिए अपनी जी जान लगाकर उससे बेल दिलवाता ही। तो प्रज्ञा बहुत खुश थी। वो शिव से तुरंत फोन करके बात करना चाहती थी, लेकिन उस दिन सिद्धांत का इतना इंटेंस रूप देखने के बाद उसने सोचा कि वो शिव को कॉल बाद में करेगी। ट्रिप पर जाने से पहले जब सिद्धांत ने उसे ये बताया तो प्रज्ञा को लगा कि वो उसकी परवाह करता है, लेकिन असली शौक तो उसे तब लगा जब सिद्धांत उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथ में ले लिया।
वो एक बार फिर से उसकी आंखों में झांक रहा था। न जाने हर बार की तरह वो क्या देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शायद उसे वो आंसर मिल गया था, क्योंकि उसने प्रज्ञा के माथे पर एक लाइट किस करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना और मेरे लौटने का वेट करना। इतना कहने के बाद वो तुरंत वहां से चला गया था, और इसी कारण प्रज्ञा कभी भी सिद्धांत को या तो लाइक या हेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एक दिन उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता था और अगले ही दिन वो इतना स्वीट हो जाता था कि प्रज्ञा हमेशा कंफ्यूज रहती थी। आज वो सुबह से सिद्धांत के पूरे घर को देख चुकी थी। भले ही उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रज्ञा का मन बहुत भटका हुआ था। वो अभी भी शिव के बारे में ही सोच रही थी। जब वो अपने कमरे में आई तो उसने सोचा कि अगर वो शिव से मिलने नहीं जा सकती तो कम से कम वो उससे कॉल पर तो बात कर ही सकती थी, और जब तक सिद्धांत घर पे नहीं था तब तक कॉल करने में कोई खतरा नहीं था। उसने कमरे में आते साथ ही अपने फोन को ढूंढा, लेकिन उसका फोन उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसे बहुत अच्छे से याद आया था कि उसने अपना मोबाइल नाइट स्टैंड पर ही रखा था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। प्रज्ञा पैनिक होकर अपने कमरे में फोन को तलाशने लगी, लेकिन उसको अपना मोबाइल कहीं भी नहीं मिला। डिसअपॉइंट होकर वो अपने बेड पर बैठी ही थी और शिव का नंबर याद करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। प्रज्ञा ने उस इंसान को अंदर आने के लिए कहा तो सुनील उसके कमरे में आया। उसके हाथ में एक नया मोबाइल था। ये देखकर प्रज्ञा का दिल बैठ गया। नहीं, उसके पास शिव से बात करने का एक ही मीडियम था, लेकिन अब सिद्धांत ने उसे वो भी छीन लिया था। सिद्धांत के इसी डोमिनेटिंग बिहेवियर को देखकर प्रज्ञा को उससे नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। सुनील ने उसके हाथ में नया मोबाइल देते हुए कहा, बॉस चाहते हैं कि आप आज से इस मोबाइल को यूज करो। प्रज्ञा ने उस मोबाइल को हाथ में लिया और सबसे पहले चेक किया कि उसमें उसके सारे कॉन्टैक्ट थे कि नहीं, और उसे इस बात से कोई भी ताज्जुब नहीं हुआ कि उसके फोन से सारे कॉन्टैक्ट्स जा चुके थे और बस सिद्धांत का नंबर बचा हुआ था। डिसबिलीव के साथ उसके मुंह से हंसी निकल गई। सिद्धांत अपनी किसी भी चाल में हारता नहीं था। आपका नंबर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बॉस आपको नया फोन देना चाहते थे, सुनील ने उसे बताया और फिर उसके कमरे से चला गया। प्रज्ञा अपने बिस्तर पर ही लेट गई। उसने अपने फोन को देखते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरी जिंदगी में आए, और जिस दिन से ऐसा हुआ है मुझे अपनी हर सांस तुम्हारे थॉट के साथ लेनी पड़ रही है। मानो ऐसा है कि तुम चाहते ही यही हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचूं ही ना, उसने अपना थंब सिद्धांत के नंबर के ऊपर फेरते हुए कहा। उसका इतना मन था कि वो अभी सिद्धांत को कॉल करे और उसे इतनी खरी खोटी सुनाए कि सिद्धांत को उसकी नानी याद आ जाए, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि सिद्धांत ने ये सब इसीलिए किया था कि प्रज्ञा चिढ़कर उसे कॉल करे। उसके शैतानी दिमाग में यही प्लान होगा और इसीलिए प्रज्ञा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी, फिर चाहे उसका कितना भी मन करे। जैसे ही अपना फोन रखकर अपनी बोरियत भगाने के लिए कुछ ढूंढने जाने ही वाली थी, अचानक से उसका फोन बजा। उसने अपनी आंखें रोल करते हुए सोचा, वाह, शैतान का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ शैतान के बारे में सोचा और शैतान का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया तो उसकी सांसें थम गई। हेलो प्रज्ञा, मैं शिव, मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कहां हो? फोन के दूसरी तरफ से शिव की आवाज आई। क्या होगा आगे? क्या प्रज्ञा सिद्धांत की बात को नकारते हुए शिव से बात करेगी, और अगर हाँ तो उसका अंजाम क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM।